छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली के लोरमी ब्लॉक क्षेत्र में अवैध रूप से रेत खनन का मामला सामने आया है, जिसके चलते नदी नाले का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। जिला खनिज प्रशासन के उदासीनता के चलते रेत माफिया बेखौफ रेत से तेल निकालने के धंधा में मशगूल है। हालांकि आज लोरमी एसडीएम मेनका प्रधान एवं नायब तहसीलदार राहुल कौशिक के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 अवैध रूप से रेत परिवहन करते ट्रैक्टर को पकड़कर जब्त की कार्रवाई की गई है। फिर भी प्रशासन अवैध रूप से रेत उत्खनन में अंकुश लगाने में बौने साबित हो रहे हैं, जिसका उदाहरण ये वीडियो फुटेज देखकर आप लगा सकते हैं, जो पैजनिया नवागांव नदी का है, जहां पे खुलेआम नदी से रेत निकाले जा रहे हैं और डंप इकट्ठे कर खरीदारों से दोगुने रेट पर बेचते हुए राशि वसूली जा रही है। एक तरफ प्रदेश सरकार अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने सख्त आदेश जारी किए हैं, तो वहीं जिला खनिज विभाग के कुंभकर्णी नींद में सोए हुए और इधर लोरमी क्षेत्र के कई जगहों पर रेत माफिया अवैध उत्खनन को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। अवैध रेत घाट है जहाँ से रेत उत्खनन किया जाता है, जैसे घाना घाट है, उरई कछार है और दरवाजा है, कंसरी है, लाखापुरी है। यहाँ सप्ताह में जब भी समय मिलता है तब एसडीएम मैडम और मेरे द्वारा कार्रवाई की थी। तो आज की कार्रवाई में हम लोग 7 ट्रैक्टर जब्त किए हैं, जिसमें से 7 का जब्ती नामा बनाकर सुपुर्दगी देने के लिए अभी थाना भेजा जा रहा है। अभी पैजनिया के संबंध में तो जानकारी नहीं मिली है, अगर उससे संबंधित कोई शिकायत मिलती है तो उसमें कार्रवाई करेंगे और अभी संज्ञान में ले लिए हैं उसको, आपके द्वारा बताया गया तो उसमें कार्रवाई करेंगे।